नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस लक्ष्मीकांत की वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो एन इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज को देखेंगे। स्वर्ण सिंह कमेटी जिसके बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके आया गया, इसकी रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे। कौन से पॉइंट्स को फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया गया, कौन से पॉइंट्स को फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं ऐड किया गया, ये देखेंगे। और फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिस जिसको भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, बहुत बार लोग कमेंट करते हैं कि सर हमको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए, तो पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे ब्लॉग का लिंक दिया है, वहां पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल क्लाउड से। ओके, आगे चलते हैं। आई होप आपने किताब खरीद ली होगी और किताब खरीद के मेरे साथ यहाँ पे पढ़ रहे हो। राइट साइड पे आपको एक फोटो दिख रही है जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता रखा गया। देखिए, अगर बात की जाए फंडामेंटल ड्यूटीज की दोस्तों, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में एक बेसिक पॉइंट क्या बोला जाता है कि अगर एक देश के नागरिक को कुछ राइट्स दिए जाते हैं कि हाँ भाई उसके ये बेसिक मिनिमम राइट्स है और उनको कोई वायलेट नहीं कर सकता, तो अगर एक देश एक नागरिक को राइट्स दे रहा है तो वही देश उस नागरिक से भी कुछ एक्सपेक्ट करेगा, उस नागरिक की भी कुछ ड्यूटीज होंगी। तो वैसे तो ये बोला जाता है कि राइट्स और ड्यूटीज दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटिव है। यानी एक देश का नागरिक ये नहीं बोल सकता कि मुझे राइट्स चाहिए पर मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, ये वो नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी दोस्तों, हमारे देश में हमारे संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया है वो बाध्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर अलग से कोई नियम कानून बनाया जाए तभी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, वैसे नहीं। इसको मैं अभी आपको और समझाता हूं। दूसरी बात, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमल्गेट हुआ उस समय पर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड नहीं किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इन फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में डाला गया और 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई। अगर दुनिया भर के संविधानों की बात करें तो आप देखो कौन से संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी है, तो आप देखोगे जो यूएसएसआर का संविधान था, इनफैक्ट ये जो प्रेजेंट डे रशिया, इसका जो प्रीकर्सर था यूएसएसआर, वहां पे भाई फंडामेंटल ड्यूटीज थी। हमारे संविधान में जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं वो यूएसएसआर से लिखी गई हैं। लेकिन आप देखोगे जो बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। ऑब्वियसली बात है, वो इतने डेवलप्ड नेशन है कि वहां के सिटीजन को खुद पता है कि हमें देश के लिए क्या करना है, तो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला है। जापान ने डाला है, जापान ने ड्यूटीज को फंड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, यूएसएसआर ने डाला था। तो कुल मिलाकर फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रेजेंट होने का बेसिस है वो बेसिस ये है कि अगर राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी करनी पड़ेंगी सिटीजन्स को। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं जो हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना को लेके आते हैं और हार्मोनी ऑफ द नेशंस को सपोर्ट करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोलती हैं, इन ड्यूटीज को आप फॉलो करोगे तो मतलब आप नेशनलिज्म को फॉलो कर रहोगे, देश में शांति रहेगी। ओके, अब देखिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सिबल, ये मैंने आपको पहले बता दिया। दे आर मॉरली ऑब्लिगेटेड, यानी वी एंड यू, मतलब हम और आप, आपके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि भाई ये तो हमें अपने देश के लिए करना ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी है तो आपको बड़ों की इज्जत करनी है। अब कल की डेट में आप में से किसी का दिमाग घूम जाए कि भाई अपने बड़ों को हम लोग कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे, इज्जत ना करें, तो क्या इसके अगेंस्ट में हमारे संविधान में कोई प्रावधान है कि भैया आपने अपने चाचा या ताया की इज्जत नहीं की तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं है। ये तो आपके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हाँ भाई हम अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, माँ बाप अपने रिश्तेदारों की इज्जत करेंगे, लेकिन लॉ में नहीं लिखा है कहीं पर कि इज्जत करनी है। उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारे ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमें इनको मानना है, लेकिन अगर हम इनको तोड़ देते हैं तो इसके अगेंस्ट हमको लॉ में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। ओके, अच्छा इसमें कुछ ये एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे नेशनल फ्लैग। अब नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट को वायलेट करते हो तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो मैं यहां पे बोल रहा हूं उसके। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाए तो आपकी किताब में भी लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का आप सम्मान करेंगे। फिर जिन नोबल आइडियल्स के आधार पर हमने अपना फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा है उनको फॉलो करेंगे, देश की यूनिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को
डिफेंड करेंगे, जब भी हमें बोला जाएगा कि भाई देश को आपकी जरूरत है तो देश को आप डिफेंड करोगे, उस केस में अगर आपसे बोला जाता है कि आप आर्मी को ज्वाइन करके करो तो वो भी आपको करना पड़ेगा। लिंग्विस्टिक रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी के बावजूद भी सबके बीच में हारमोनी होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए। हमारे रिच और कंपोजिट कल्चर को हम लोग वैल्यू करेंगे, हमारी हेरिटेज को वैल्यू करेंगे, अपने एनवायरमेंट को बचा के रखेंगे, अपने फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स वाइल्ड लाइफ इन सबको बचा के रखेंगे, लिविंग क्रिएचर्स के अंदर हम लोग अपने लिए सद्भावना रखेंगे, उनकी तरफ हम लोग थोड़े से अच्छे रहेंगे, ठीक है, कंपैशन रखेंगे, डेवलपिंग साइंटिफिक टेंपर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इनका मैं एनालिसिस भी करूंगा, अभी बस मैं पढ़ के बता रहा हूँ। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जर्व वायलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट। हर स्फीयर में इंडिविजुअली भी आगे बढ़ेंगे, कलेक्टिवली भी आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा देश ओवरऑल हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट पे जाए। एक तो इतनी फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी, एक और है ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जिसको जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। क्या बोलता है? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 इयर्स। ये एक और फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों हमारे संविधान में। हालांकि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना अब एक फंडामेंटल राइट तक बन गया है और ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो तब प्ले में आएगा ना जब बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे। बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना माँ बाप के लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 51A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से इसको जोड़ा गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है? स्वरंग सिंह कमिटी रिकमेंडेशन, ये जरूरी चीज है इसको समझना। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार सुरंग सिंह जी से बोला कि आप एक कमेटी को लीड करिए और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आप कुछ रिकमेंडेशंस दीजिए, क्योंकि इन फंडामेंटल ड्यूटीज की कुछ जरूरत नजर आ रही है। कब जरूरत नजर आई? इंटरनल इमरजेंसी के दौरान, 1975 से 1977 इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी के दौरान देश के नागरिकों के जो भी राइट्स थे उनको वायलेट किया गया, सरकार का क्रिटिसिज्म हुआ, सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या भाई, हमारा तो इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो सरकार ने क्या बोला? नेशनलिज्म की फीलिंग जगाते हैं, और अगर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाना है तो फंडामेंटल ड्यूटीज पे अपील करो। देश की जनता से ये अपील किया गया कि भाई देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जरूरी है, इस देश के प्रति आप लोग समर्पित रहो, ये जरूरी है। ये सरकार देश के लोगों को बता रही थी जबकि सरकार खुद देश के लोगों के राइट्स को दबा रही थी। चलिए वो एक अलग बात है। तो इंटरनल इमरजेंसी के दौरान सरदार सुरेंद्र सिंह कमेटी बनाई गई और उससे यह बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज पे कुछ अपने सुझाव दीजिए। सुझाव ऑब्वियसली बात पॉजिटिव आने थे। कमेटी ने बोला कि जी बिल्कुल जरूरी है, जैसा कि यूएसएसआर के समय, उस समय पे यूएसएसआर था, रशिया नहीं बना था, जैसा कि यूएसएसआर के संविधान में है कि भाई सबको फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब अगर एज अ सिटीजन आपके पास राइट्स हैं तो एज अ सिटीजन आपको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी करनी है। और सोशलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशंस, एक बात और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये सोशलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्प्ले करती है। जो कंट्री सोशलिज्म के सिद्धांत पे चलती है, सोशलिज्म के सिद्धांत पे, वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज डोमिनेंट होती है। अब आप बोलोगे सोशलिज्म का सिद्धांत क्या होता है? सोशलिज्म का सिद्धांत होता है गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी जो कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है, देखिए गवर्नमेंट के पास ताकत होगी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, प्राइवेट ओनरशिप बहुत कम होगी। तो एक वेलफेयर स्टेट स्थापित करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट सोशलिज्म के सिद्धांत के अंदर में। यूएसएसआर में उस समय पर यह सिद्धांत इस्तेमाल किया जाता था, इंडिया में भी हल्का फुल्का इसका मॉडिफाइड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इंडिया में कैपिटलिज्म की भावना है इसको भी प्रमोट किया गया, प्राइवेट ओनरशिप को भी प्रमोट किया गया। हालांकि उस समय पर 1976 में सरकार का कंट्रोल ज्यादा होता था इंडस्ट्रीज वगैरह पे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज उतनी थी नहीं। वो तो 1990s के बाद इंडिया में प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत तेजी से आई है, कैपिटलिज्म बहुत तेजी से आया। तो उस समय पर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क था वो थोड़ा सोशलिस्टिक था, जिसके चलते फंडामेंटल ड्यूटीज को भी उतारा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज में सिटीजन से बोला गया आपके पास राइट्स हैं तो आपको देश की तरफ ड्यूटी भी करनी है। गवर्नमेंट ने इन रिकमेंडेशंस को माना और इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, और हमारे संविधान में पार्ट 4A जोड़ दिया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, पार्ट 4A जोड़ा, और इसके थ्रू जो आर्टिकल एंट्री मारेगा वो होगा आर्टिकल 51A। तो डीपीएसपी के बाद क्या आता है? 51A। कुल मिला के 51A में इन फंडामेंटल ड्यूटीज को क्यों रखा गया? क्योंकि कुछ कुछ ये डीपीएसपी की तरह है। जैसे डीपीएसपी को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते,
वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को भी आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, इसलिए जस्ट डीपीएसपी के बाद 36 से 51 के बाद 51 ए घुसेड़ दिया गया और फंडामेंटल ड्यूटीज नाम दे दिया गया। जब 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज आई तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, जो कि मैं यहां पे आपको बता चुका हूं। जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो आई 2002 में। इस कमिटी ने यह बोला, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने जब 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को ना जोड़ के एक गलती की, उस गलती को हम यहां पे सुधार रहे हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। अब आप देखिए दोस्तों, सोरेन सिंह कमिटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोला था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया। अब खास बात दोस्तों यह है कि सोरेन सिंह कमिटी ने कुछ और फंडामेंटल ड्यूटीज को सजेस्ट किया था जिसको कांग्रेस पार्टी ने नहीं जोड़ा। तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज जिनको कांग्रेस पार्टी ने नहीं जोड़ा वो कौन कौन सी है। पहली, द पार्लियामेंट में प्रोवाइड for the imposition of any such penalty or punishment as may be considered appropriate for any non-compliance with refusal to observe any duties. मतलब सोरेन सिंह कमिटी ने यह बोला कि मान लीजिए कोई पर्सन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कर रहा है अपनी, तो उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, नॉन कॉम्प्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। इस चीज को इंक्लूड नहीं किया गया। सरकार का उस समय पर बहुत अपोजिशन हो रहा था, तो सरकार ने बोला कि अगर हम ये क्लॉज इंक्लूड कर लेंगे और किसी एक पर्सन को इस बेसिस पे हम सजा देने लगेंगे कि भाई ये फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं मान रहा है, तो सरकार की और निंदा होगी। ऑलरेडी इमरजेंसी चलते सरकार की निंदा हो रही थी, तो इसको इंक्लूड नहीं किया गया। फिर उसके आगे क्या बोला गया, नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनाल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और द ग्राउंड ऑफ रिप्रग्नेंसी टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका क्या मतलब है कि जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानते हो तो नॉन कॉम्प्लायंस के लिए आपको सजा दी जा सकती है, और अगर मान लीजिए आपको ऐसी कोई सजा पेनाल्टी या पनिशमेंट दिया जाता है तो उस पेनाल्टी उस पनिशमेंट को वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं माना जाएगा, या फिर किसी भी संविधान के दूसरे प्रोविजन का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। मतलब कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मान रहे हैं तो आपको सजा दी जा सकती है, और अगर आपको सजा दी तो उस सजा के अगेंस्ट आप जाके जुडिशरी में ये नहीं बोल सकते हो कि भैया मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई और प्रोविजन वायलेट हो रहा है। मतलब फंडामेंटल ड्यूटी को इम्पोज कर दिया गया, करना ही करना है आपको, नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। तो ये दो प्रोविजन बहुत स्ट्रांग कर देते दोस्तों गवर्नमेंट को। फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने इन दोनों प्रोविजन को संविधान में नहीं जोड़ा। तीसरा, ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड बी अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। देखिए अब ड्यूटी टू पे टैक्सेस दोस्तों ये तो मैंडेटरी है, अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया तो आपके आपसे पैसा लेंगे इंटरेस्ट के साथ, नहीं तो जेल में डाल देंगे। तो ये बोला गया कि भैया टैक्स देना इसको भी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाइए, बट इसको फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं जोड़ा गया। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इस चीज को फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं जोड़ा गया है, देखिए टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ये एक मैंडेटरी लॉ है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अगर आप टैक्स नहीं दोगे आपके ऊपर प्रोविजंस और बहुत सारे और चीजें लगाई जा सकती हैं, आपको सजा दी जा सकती है, इस चीज की ताकत है गवर्नमेंट के पास। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स की। ये बोला जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सिविक ड्यूटीज हैं, इसमें बहुत सारी मॉरल ड्यूटीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फंडामेंटल राइट्स की फोटो पे वापस आए तो दोस्तों, to abide by the constitution and respect its ideas and institutions, the national flag and the national anthem. ये क्या है? ये basically एक civic duty है। Civic duty मतलब कि हम संविधान में रह रहे हैं तो as a civilian हमारी ये duty बनती है। दूसरा क्या बोला गया? Cherishing the noble ideals of freedom struggle. ये moral duty है। तो ये वाला, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national freedom of struggle. Basically this is moral duty. क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं और हम इस देश में आजादी से क्यों रह रहे हैं, क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद हमें आजादी दिलाई, उस आजादी के चलते आज हम इतने मजे से घूम रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, पबों में जा पा रहे हैं, खाना पीना खा पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो हम अपने दिमाग में हमेशा एक मॉरल एलिमेंट रखें कि भाई ये जो आजादी हमको मिली है ना, इस आजादी के लिए बहुत से लोगों ने खून बहाया है, तो वो चीज हमें याद रखनी है। तो बेसिकली दिस ड्यूटी, ये ड्यूटी किस तरीके की ड्यूटी हो गई, ये एक मॉरल ड्यूटी हो गई। ओके, उसके बाद दोस्तों ये बोला गया है कि भाई ये वो वैल्यूज हैं, इन फंडामेंटल ड्यूटीज में उन वैल्यूज को जोड़ा गया जो कि इंडियन ट्रेडिशन को मानते हैं,
इंडिया की माइथोलॉजी से रिलेटेड है, इंडिया के रिलीजन से रिलेटेड है, इंडिया की प्रैक्टिस से रिलेटेड है। क्या मतलब हुआ इसका, अभी देखते हैं दोस्तों। टू प्रिजर्व, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, हमारे कंपोजिट कल्चर का ध्यान रखना है। उसके बाद टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज। क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि भैया देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है, इस चीज को हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारी प्रैक्टिस है, और हम उन प्रैक्टिस को माने। तो कुल मिला के हमारी जो एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन रहा है, जो रिलीजन्स रहे, जो प्रैक्टिसेस रही, जो माइथोलॉजी रही है, उसको हम माने। मतलब जिस तरीके से एंशियंट काल से इंडिया का आदमी रहता चला आ रहा है, उस प्रैक्टिसेस को थोड़ा बहुत इन फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया गया, ताकि भाई आगे आने वाले समय में भी चीजों को अच्छी तरीके से किया जा सके। उसके बाद तीसरा पॉइंट तो दोस्तों बहुत ही आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करो, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन और फॉरेनर सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। जब बात आई आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड ओनली टू सिटीजन। इस देश के जो नागरिक हैं उनको फंडामेंटल ड्यूटीज करना है, बाहर से जो लोग आते हैं इंडिया में, टूरिस्ट हैं, एम्बेसडर हैं, उनके ऊपर ये फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई नहीं होती है, दे आर ओनली कन्फाइंड टू सिटीजन। और फाइनली दोस्तों सबसे बड़ी चीज, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल हैं। सीधे सीधे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज को भी नॉन जस्टिसिएबल रखा गया है। यानी अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट करते हो तो सीधे सीधे आपको कोर्ट में नहीं खींचा जा सकता है, आपको कोर्ट नहीं खींचा जा सकता है। तो भैया अगर आपने देश के फ्लैग को या फिर अगर आपने देश के नेशनल एंथम की वॉयलेशन किया है, उसका सम्मान नहीं किया, उसका अपमान किया है, तो उस केस में सीधे सीधे फंडामेंटल ड्यूटीज के आधार पर आपको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता, दूसरे आधार पर घसीटा जा सकता है। तो आपको फ्लैग कोड पर आधार पर घटी जा सकता है और दूसरे जो नियम कानून है उनके आधार पर कोर्ट में घसीट सकते हैं, सजा दी जा सकती है, लेकिन इस बेसिस पे कि भैया आपने नेशनल फ्लैग का सम्मान नहीं किया, आपने नेशनल एंथम का सम्मान नहीं किया, इस बेसिस पे आपको कोर्ट में नहीं खींच सकते। तो कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, देयर इज नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये एक कमी कह लीजिए या फिर एक स्ट्रांग पॉइंट कह लीजिए। देखिए दोस्तों अगर इतने स्ट्रांग स्टेप्स सरकार को दे दिए जाएंगे तो सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर होगी वैसे वैसे लोगों में खुद ये बुद्धि आएगी कि भाई हमें ये चीजें तो माननी ही माननी है, ठीक है। तो मैच्योरिटी के साथ इस चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए वो ज्यादा जरूरी है, ना कि लोगों के ऊपर इस चीज को थोप दिया जाए। क्योंकि अगर लोगों के ऊपर इस चीज को थोप दिया जाएगा तो जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो थोड़ी टोटलिटेरियन टेंडेंसीज ले सकती हैं, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज ले सकती हैं, अपना चलाने वाली टेंडेंसी ले सकती हैं। ये अलग बात है कि किसी फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेशन लाके इंप्लीमेंट कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आओ या फिर एक लेजिस्लेशन ले आओ, एक स्टैट्यूटरी लॉ ले आओ, जिसके बेसिस पे अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी का वॉयलेशन कर रहा है तो उसको सजा दी जाएगी। बट सीधे सीधे फंडामेंटल ड्यूटीज के वॉयलेशन पे कोर्ट में किसी पर्सन को घसीटा नहीं जा सकता। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी चीज है। जरूरी ये है कि जब बच्चे छोटे हों उनको इन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ाया जाए, उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि उनको ये पता चले कि हमने ये जो देश आज के डेट में बनाया है ये देश कितनी मेहनत से बनाया, और ये हम सबकी ड्यूटी बैठती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर हम कौन से रिलीजन के हैं, कौन से कास्ट के हैं, कौन से धर्म के हैं, हमें देश की प्रोग्रेस में काम करना है। ये बातें लोगों को खुद से समझनी पड़ेंगी, सरकार एक डंडा लेके हमेशा इस बातों को लोगों को समझा नहीं सकती, क्योंकि सरकार खुद टोटलिटेरियन हो जाती है। जब लोग समझदार होंगे तो सरकार कंट्रोल में रहेगी, ठीक है, अगर सरकार लोगों को कंट्रोल करने लगेगी तो वो डेमोक्रेसी रहेगी ही नहीं। तो ये था दोस्तों, इसके आगे हम लोग बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज सिग्निफिकेंस, फिर वर्मा कमिटी के ऑब्जर्वेशंस, और कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज को अगली वीडियो में खत्म कर दें और फिर सीधे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे पहुंचे। वैसे तो अमेंडमेंट मैंने आपको बहुत तरीके समझा रखा है लेकिन वहां पर डिटेल में बात करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। गुड बाय।